हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिमाज नॉर्थ एंड साउथ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ग्रीन चटनी आप सैंडविच में, दही बड़े पे किसी के साथ भी आप खा सकते हैं और इमली की चटनी भी आप दही बड़े के साथ खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मुट्ठी भर मैंने धनिया लिया है और मुट्ठी भर मैंने मिंट लिया है, एक ग्रीन चिली लिया है मैंने, तीन मैंने लहसुन लिया है गार्लिक, आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 टीस्पून मैंने कर्ड लिया है। ये सभी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। ग्रीन चटनी में कुछ लोग सेव का भी यूज़ करते हैं, आप चाहे तो वो डाल सकते हैं थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ाने के लिए, थोड़ी अच्छी ये गाढ़ी हो जाएगी। सेव की जगह आप भुना हुआ चना या मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं और कर्ड की जगह आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं, कर्ड भी डाल देंगे हम इसमें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ग्राइंड किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1-2 चम्मच ये पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो चटनी पतली हो जाएगी। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। आप चाहे तो सेव, भुना चना या भुनी मूँगफली का भी यूज़ कर सकते हैं। एक ग्लास में मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम चलेंगे इमली की चटनी बनाने के लिए। इमली की चटनी बनाने के लिए 1/2 कप मैंने इमली का पल्प लिया है, इसमें मैंने थोड़ा पानी भी मिला दिया है। ये देखिए ये छन्नी में मैंने इमली को छान लिया है, पहले भिगो दिया था इसको 1 घंटे के लिए, फिर हाथों से रगड़ के इसका पल्प निकाल के थोड़ा पानी मिला दिया है। ये हमारा इमली का पल्प रेडी हो गया है। ऑयल डालेंगे कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में जिसमें आप बनाना चाहते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टीस्पून, 2 पिंच हम इसमें डालेंगे हींग, 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे इमली का पानी या इमली का पल्प। बहुत ही पतला लग रहा है ना ये, लेकिन बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, 3-4 चम्मच समझ लीजिए। ये देखिए अच्छा बॉयल होने लगा है ये। अच्छा बॉयल होने के बाद हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला, 1/2 कप इसमें डालेंगे हम जैगरी पाउडर। गुड़ को मैंने कूट लिया है और पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो जैगरी और डाल सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद है। मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डाला है मिठास को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, 1 टीस्पून चीनी डाला है, इससे मिठास और भी अच्छी हो जाएगी इसकी। अगर आपको चीनी नहीं डालनी है थोड़ा सा गुड़ बढ़ा सकते हैं, जैसा मीठा आपको पसंद हो उसके अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा से बॉयल कर लेंगे इसको गाढ़े होने तक इसको। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। वैसे थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए चम्मच में कोटिंग आ रही है, इसका मतलब चटनी हमारी रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस को ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे और सर्व करने चलेंगे। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, चटनी परफेक्ट बनी है। ये आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।